क्या आपको पता है हमारे VGMI के अंदर एक ऐसी आईडी है जिसका करेक्टर दिखाई नहीं देता है। अगर मैं आपको बोलूं आप लोग विदाउट मैचेस के लिए विदाउट कॉन्करर फुस करके और आपको मिल जाए कॉन्करर फ्रेम तो आपके रिएक्शन कैसे होंगे? असंभव। अगर मैं आपको बोलूं हमारे VGMI के अंदर एक ऐसी आईडी है जिसे आप लोग जितनी बार सर्च करोगे उसका नाम चेंज हो जाता है। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका VGMI के एक और तबाहीदार वीडियो के अंदर। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं VGMI एंड पबजी मोबाइल के कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं कभी सोचा होगा, नहीं कभी देखा होगा। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, लेट्स गो। टॉप 5 मिस्टीरियस थिंग। तो आपकी स्क्रीन पे एक आईडी दिखाई दे रही होगी, आप लोग जैसे इस आईडी को सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगी यूजर 62710 नाम की आईडी। और जैसे आप लोग इस आईडी के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको एकदम नॉर्मल आईडी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप इसकी प्रोफाइल चेक करेंगे तो वहां पे आपको वन लेवल देखने को मिलेगा और ब्राउंज की ये आईडी है। उसकी के बाद अगर आप इसके मैच चेक करोगे तो इस बंदे ने एक भी मैचेस नहीं खेला है और ये आईडी करंट सीजन की है और इसने एक भी मैचेस नहीं खेला है। बट अभी आप लोग एक सेकंड रुको, अब जैसे इस बंदे की पॉपुलैरिटी में जाओगे उसके बाद आप लोग जैसे यहां पर रीसेंट पॉपुलैरिटी में जाने के बाद आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो जैसे आप लोग यहां पर स्लाइड करोगे सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ATR रीता नाम का लड़का है, लड़की ये तो नहीं पता, बट इस बंदे ने या बंदी ने 326 दिन पहले इस बंदे को पॉपुलैरिटी सेंड की है। मतलब यार आईडी तो करंट सीजन की है तो 226 दिन पहले पॉपुलैरिटी कैसे सेंड करी है ना, काफी ज्यादा मिस्टीरियस आईडी। टॉप 4 मिस्टीरियस थिंग। तो आपकी स्क्रीन पे एक आईडी दिखाई दे रही होगी, जैसे आप लोग इस आईडी को सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगी ओपी तिवारी नाम से एक आईडी। और जैसे आप लोग इस आईडी के अंदर जाओगे बुम, यहाँ पे गाइस आपको करेक्टर ही नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे गाइस आपको सिर्फ देखने को मिलेगी एक कार 98 की स्किन और जो करेक्टर है वो यहाँ पे गायब हो चुका है। मतलब यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब मैंने पहली बार देखा मैं तो भाई शॉक हो गया, मैंने बोला भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसी के बाद अगर आप लोग इसकी पॉपुलैरिटी में जाओगे तो यहां पे काफी सारे लोगों ने इसे पॉपुलैरिटी सेंड कर रखी है और इसकी 3 मिलियन की पॉपुलैरिटी है क्योंकि ये बंदा दिखाई नहीं देता है तो लोगों ने काफी सारी पॉपुलैरिटी इस बंदे को सेंड कर रखी है। और अगर आप लोग इसकी प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पर भी इसका करेक्टर दिखाई नहीं देगा, है ना, काफी ज्यादा मिस्टीरियस आईडी। टॉप 3 मिस्टीरियस थिंग। तो आपकी स्क्रीन पे एक आईडी दिखाई दे रही होगी, इस आईडी को जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने यार ये आईडी आ जाएगी। और जैसे आप लोग इस आईडी के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलेगा। बंदे के पास कॉन्करर फ्रेम है और 1.5 मिलियन पॉपुलैरिटी भी होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल है इस आईडी के अंदर। और जैसे आप लोग इसके मैचेस यहाँ पे चेक करोगे सीजन 18 के अंदर जाओगे तो इस बंदे ने सीजन 18 के अंदर एक भी मैचेस नहीं खेले हैं, ना ही सोलो में, ना ही डुओ में, ना ही स्क्वाड में। तो यहाँ पे इस बंदे के पास सीजन 18 का कॉन्करर फ्रेम कहाँ से आया, है ना, काफी ज्यादा कमाल के मिस्टीरियस आईडी। टॉप 2 मिस्टीरियस थिंग। तो आपकी स्क्रीन पे एक आईडी दिखाई दे रही है, आपको इस आईडी को सर्च करना है और इस आईडी के अंदर जाना है। जैसे आप लोग इस आईडी के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलेगा और इस बंदे के पास 7 मिलियन की पॉपुलैरिटी भी है। उसी के बाद अगर आप लोग इस बंदे की प्रोफाइल के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 36 लेवल, उसी के साथ ये आईडी ब्रॉन्ज 5 की है। और यहाँ पे आप लोग जैसे इस बंदे के मैचेस चेक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखो इस बंदे ने अभी एक भी मैचेस नहीं खेला, 0-0 है। और ये आईडी बनी हुई है C1H2 सीजन की और इस बंदे ने अभी तक इस आईडी के अंदर एक भी मैचेस नहीं खेला है। बट कमाल की बात क्या है, जब इस बंदे ने एक भी मैचेस नहीं खेला है तो इस आईडी के अंदर 36 लेवल कैसे हुआ, है ना, काफी ज्यादा कमाल की मिस्टीरियस थिंग आईडी। टॉप 1 मिस्टीरियस थिंग। तो आपकी स्क्रीन पे एक आईडी दिखाई दे रही है, आपको इस आईडी को सर्च करना है तो आपके सामने यार ये आईडी आ जाएगी। उसके बाद आपको इस आईडी को ओपन करना है, जैसे आप लोग इस आईडी को ओपन करोगे तो आपको आईडी के अंदर एक न्यू प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिल जाएगा प्लस आईडी नंबर भी चेंज देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद आप लोग जाओगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर, वहां पे आपको एक और न्यू आईडी नंबर देखने को मिलेगा। उसी के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा WWW और यहाँ पे आपको लेवल भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसके मैचेस चेक करोगे तो इस बंदे ने अभी तक एक भी मैचेस नहीं खेला है। और उसी के साथ यहाँ पे आप लोग इस आईडी को देखोगे तो ये जो आईडी ये करंट सीजन की बनी हुई है, मतलब अभी की आईडी बनी हुई है। उसी के साथ अगर आप लोग इसकी पॉपुलैरिटी में जाते हैं, उसके बाद आप लोग रिसेंट पॉपुलैरिटी में आओगे तो यहाँ पे शैडो प्रिंस नाम के बंदे ने इसे 228 दिन पहले इस बंदे को पॉपुलैरिटी सेंड की थी। मतलब आईडी तो करंट सीजन की बनी हुई है तो 228 दिन पहले पॉपुलैरिटी कैसे
सेंड की थी। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर आप लोग इस आईडी को दोबारा सर्च करते हैं तो इस आईडी का नाम चेंज हो जाएगा, और जैसे इस आईडी के अंदर दोबारा जाओगे तो आपको ये आईडी पहले जैसे देखने को मिल जाएगी। जितनी बार इस आईडी को आप लोग सर्च करोगे उतनी बार इस आईडी का नाम चेंज होगा। मतलब यार कितनी ज्यादा कमाल की मिस्टीरियस आईडी है। तो यही थी टॉप 5 मिस्टीरियस आईडी। अगर आप लोग इन आईडी को देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो। स्टार्टिंग की जो मैंने 4 आईडी आपको दिखाई है वो अगर आप लोग पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में देखते हो तो आपको देखने को मिल जाएंगी, और जो लास्ट की आईडी मैंने आपको दिखाई है वो आपको वीजीएमआई के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी वीडियो के अंदर आने के लिए। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक मारो, और उसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पे आती रहती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक और न्यू तबाहीदार वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। ओम जी माम जी माम बिंग बिंग बो।